आमद फ्रॉम अलविदा पब्लिक स्कूल। हमें बहुत खुशी हो रही है कि 3 सालों के बाद हमारे स्कूल खुल रहे हैं। 3 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है, हमारी स्टडीज़ बंद हो गई, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब फिर से हम स्कूल खुल रहे हैं और अब बस होप करते हैं, प्रे करते हैं कि जो कोविड है हमेशा के लिए ख़त्म। मेरा नाम मेहर है और हम अलविदा में पढ़ते हैं, अलविदा पब्लिक हाई स्कूल पटन। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत खुश हैं कि आज 3 साल बाद हमारे स्कूल खुल गए। स्टडी 8th स्टैंडर्ड, आई एम फ्रॉम अलविदा पब्लिक हाई स्कूल पटन। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि हम आज 2-3 साल बाद स्कूल आ रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि शुरुआत हो गई यहाँ पे फिर से स्कूल में आने की। तो देखिए, हर किसी मुल्क का मुस्तकबिल हमेशा बच्चों में ही होता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस वक्त के गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये अच्छा डिसीजन लिया एंड ऑब्वियसली वी आर पार्ट ऑफ इट, जो भी इनका डिसीजन होता है। बट एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत अच्छी फख्र की बात है कि बच्चे जो होम सिक हो गए थे पिछले 2-3 सालों से, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, बस घर पे बैठे रहते थे, तो उस वजह से ये डल भी हो जाते थे कुछ जो बच्चे थे बड़े बड़े, तो जनाब खास्ता मतलब गलत कामों में भी लग जाते। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि स्कूल फिर से रीओपन हो गए एंड आई होप कि इंशाल्लाह जो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जो टीचर्स है, दे विल टेक ए प्रॉपर केयर एंड एंश्योर के जो बच्चे हैं अच्छे से पढ़े और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का ज़्यादा ख्याल रखे। क्योंकि आप देखिए, कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ पे वुशु चैम्पियनशिप जो यहाँ पे हो गई थी इंटरनेशनल लेवल पे भी, वहाँ पे भी एक बच्ची ने वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल किया। और हमारे यहाँ पे पटन तहसील में भी एक यूथ है, उन्होंने भी यहाँ पे एट स्टेट लेवल पे भी वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ इनका को करिकुलर। Tell stories that are there. Stories where we become your voice. Stories which matter to you. Sense, not sensationalism. News that truly impacts you. We are looking for facts. Not opinion. No agenda. But a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you.